बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सॉल्यूशन के फेज में होते हैं। जैसे कि हम अगर एसिड और बेस का रिएक्शन देखें, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में देखेंगे? हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे। इसके अलावा जब हम रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं तो वो भी किस फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ठीक। वो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग उस कंडीशन में देखते हैं, जैसे एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इस रिएक्शंस को क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए, यानी कि हम सीधा बोलते हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके लिए हमें सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को डिफाइन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक मिक्सचर है, ठीक है। और ये कैसा मिक्सचर हम लोग बोलते हैं? तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, सबसे पहले तो मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मिले हुए हों, ठीक। सेकेंड थिंग है कि होमोजेनियस का मीनिंग क्या है? तो ये जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं, उनका कुछ कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन का मतलब उनके मास का रेशियो होगा, या उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, या उनके मोल्स का रेशियो होगा। अगर ये कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के किसी भी हिस्से में अगर सेम होता है, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग होगा एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मिले। तो अब यहाँ ये बात आती है कि हम यहाँ लें कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो हम इसको होमोजेनियस मिक्सचर लेते हैं। अब ये कंपोजिशन में, जब भी हम कंपोजिशन देखते हैं तो कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात कर लें, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। एकदम सीधी सीधी बात है ये कि मिक्सचर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी क्वांटिटी का रेशियो। लाइक अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। तो एक एसिड हो गया, और दूसरा वो जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, खास करके वाटर, तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर हो गया। तो एसिड और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या देगा? तो कंपोजिशन देगा, ठीक है। अब यहां पर वापस लिख दें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी एक्चुअली रेशियो ही देता है, ये भी रेशियो दे रहा है। और ये क्या रेशियो दे रहा है? तो रेशियो, या हम लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी लेते हैं रिलेटिव टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि हम हमेशा, जब भी हम सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो हमेशा सॉल्यूशन की क्वांटिटी के रिलेटिव होगा। यानी कि जब भी हम कंसेंट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो दिस इज गिवन बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट
विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, और हम इसको और किस टर्म में शो करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब दोनों चीजें डिफाइंड होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब ये हम लोग को देखना ये होता है कि सब्सटेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम बताते किस टर्म में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा तो मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये भी बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, या केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस की क्वांटिटी को मोल से भी डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर सब्सटेंस का मोल्स ज़्यादा होगा तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोल के लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का मेथड है कि मास से भी हम एक्सप्रेस करेंगे, वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस करेंगे, एंड मोल से एक्सप्रेस करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये रेशियो अलग अलग टर्म में आएगा, या तो मास का रेशियो आ सकता है, या वॉल्यूम का रेशियो आ सकता है, या मोल्स का रेशियो आ सकता है। करेक्ट, इसके अलावा मोल्स वॉल्यूम का रेशियो आ सकता है, मोल्स मास का रेशियो आ सकता है, इस तरह के बहुत सारे रेशियो आ सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को हम बहुत सारे मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब वो मेथड कौन कौन सा है ये आपको देखना है। तो हम लोग यहां सब देखते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो लेते हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन बाय मास। ठीक है, यानी कि जो हमें रेशियो देखना है वो रेशियो किसका होना चाहिए, तो मास का रेशियो होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास को हम रिलेट करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम इसे बोलते हैं m अपॉन m, यानी कि m1 by m बोलते हैं, वेयर m1 इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस m इज मास ऑफ सॉल्यूशन, या हम इसे वेट के भी टर्म में बोलेंगे W1 अपॉन W, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें अलग अलग फिर से हम टर्म लेते हैं मास और वेट फ्रैक्शन। तो मास ऑफ और वेट फ्रैक्शन, क्योंकि जैसा हमने बार बार बोला है कि जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो सब्सटेंस की क्वांटिटी को अगर हम मास से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वही वैल्यू वेट के लिए भी मिलता है, और ख़ास करके अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक मिसनोमर होगा यहाँ पे, एक्चुअल जो टर्म है वो मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वेट लिखा रहे या मास लिखा रहे दोनों सेम ही मीनिंग दे रहा है। तो मास और वेट फ्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे हो गया, हम सीधा बोल देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये पार्ट हो गया। एक दूसरा टर्म जो आते रहता है वो है मास और वेट परसेंटेज।
मास और वेट परसेंटेज जो हम बोलेंगे वो कैसा दिखेगा? तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो ये जो वेट फ्रैक्शन दे रहा है इसका मीनिंग ये आता है कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट है पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहां की अगर हम बात करें तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है पर 100 यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इसी में जो कुछ जगह यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ppm by वेट और मास, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, ठीक है। ये एक सीधा साधा टर्म हो जाता है तीनों, बस मीनिंग अलग है। वेट फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होगा, वेट परसेंटेज का वैल्यू 100 से छोटा होगा, और इसी तरह से ppm by वेट का वैल्यू किससे छोटा होगा समझ सकते हो यार, ठीक है। यानी कि अगर हम वेट फ्रैक्शन का वैल्यू बोलें तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, यानी कि 0 से बड़ा 1 से छोटा। परसेंटेज वेट का जो वैल्यू है ये 0 से 100 के बीच में आएगा, और इसी तरह ppm by वेट का वैल्यू 0 से 10^6 के बीच में आएगा, ठीक है। खास करके जब हम ppm by वेट लेते हैं तो ये एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, यानी कि एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट जो होगा उसका वैल्यू रिलेटिवली बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो ये तीनों चीजें हैं यहाँ पे। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पे, इसको अलग अलग सेंस में हम देखना चाहें, तो अगर हम बोल रहे हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 20% बाय वेट, ठीक, तो ये ऑब्वियस है कि ये परसेंटेज वेट दिया, और ये क्या डिफाइन करेगा, दैट इज हम यहां बोलेंगे 20 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पे किसको लेंगे हम, HCl को, इज इन पर 100 यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट, ये मीनिंग यहां पे आ जाता है। ठीक है ना, ये कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट की बात होती है। नेक्स्ट थिंग अगर हम यहां लिखें कि कंसेंट्रेशन ऑफ अ पेस्टिसाइड इज 5 ppm बाय वेट, तो 5 ppm by weight का यहां मीनिंग क्या होगा, डेट इज 5 part ऑफ पेस्टिसाइड पर 10^6 part ऑफ सॉल्यूशन by weight, ठीक है। तो यहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है कि अगर हमें वेट फ्रैक्शन मिल रहा है तो वो पर यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, अगर हमें परसेंटेज वेट मिल रहा है तो वो पर 100 यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, ppm by वेट मिल रहा है तो वो पर 10^6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से परसेंटेज वेट की बात आ जाती है, ठीक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग
एट नाइन टेंथ यानी कि स्कूल लेवल से हम लोग शुरू करते हैं इसको, यानी कि जब आप स्कूल में होंगे लाइक नाइन टेंथ में होंगे तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा आता है। तो ये एक पहला टर्म आ गया कंसंट्रेशन बाय मास या कंसंट्रेशन बाय वेट, बाय मास के साथ हम इसको लिख सकते हैं और बाय वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और वो क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात होती है यहाँ पे कि परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है ये डिफाइन करेगा मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस फेज में, तो लिक्विड फेज में, मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है। यूनिट पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूट का मास ग्राम में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, यानी कि ये देता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। तो अगर हम एक एग्जांपल से देखें यहां पे कि स्ट्रेंथ ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज, जैसे हमने ले लिया 21%, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम यहां लिखते हैं कि 21 ग्राम ऑफ HNO3 पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। किसी किसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये दिया रह सकता है कि स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, जैसे ये भी दे दिया कि परसेंटेज स्ट्रेंथ इज 21% बाय मास, तो इतना जब कह देता है कि 21% बाय मास तो आपको मास का ही रेशियो देखना है, लेकिन अगर कुछ नहीं कह रहा है केवल कह रहा है कि ये स्ट्रेंथ है इस सॉल्यूशन का, तो फिर आपको मास और वॉल्यूम का रेशियो देखना है आप, ठीक है। और ये यूज किसके लिए होता है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बाय मास, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बस रिलेशन यहाँ पे ये देखना है कि जब हम परसेंटेज मास की बात करते हैं तो वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, और यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन ईजिली हमें पता रहता है, क्योंकि मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के यूज से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मास परसेंटेज जो है वो स्ट्रेंथ में बदल जाता है, या कैसे स्ट्रेंथ परसेंट जो है वो मास परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक टर्म लेते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर हमें है परसेंटेज मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हमने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100, इनटू 100, करेक्ट। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दें, सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये देने लगेगा परसेंटेज स्ट्रेंथ, यानी कि ये दे रहा होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और ये परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए 100 की बात कर लेंगे आप, ठीक है। यूनिट को थोड़ा पकड़िएगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, करेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन भी है ग्राम में, यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक। तो अब क्योंकि डेंसिटी टर्म यहाँ पे डिफाइंड होगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दिखेगा ग्राम पर एमएल में, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, तो ये जो टर्म दिया ये दे दिया मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, ठीक है, और परसेंटेज के लिए हमारे पास 100, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज मास को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, या परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम परसेंटेज मास में बदल सकते हैं, ठीक। यहां पर दोनों रिलेट होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, यानी कि एक बात क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं पता रहेगा तो ये इसमें नहीं बदल पाएगा, यानी कि मास वॉल्यूम में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड कंसेंट्रेशन टर्म। अब हम थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, तो थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म खास करके लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ बातें आपको ख्याल रखनी होगी कि सिंबल ऑफ मोलैरिटी जो होगा, मोलैरिटी का सिंबल जो होगा वो कैपिटल एम होगा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि मोलर कंसेंट्रेशन जो मोलैरिटी है और मोलैरिटी, ठीक, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड या ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एस, हम जब भी मोलर कंसेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो ये देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में, यानी कि ब्रैकेट किसी भी सब्सटेंस का मोलर कंसेंट्रेशन है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 0.1 HCl सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है, और हम अगर ऐसा लिखें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.1 mL, ठीक है, तो ये मोलैरिटी को रेफर कर रहा है, यानी कि हम यहां बोलेंगे डेट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन एच 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर हम इस तरह का ब्रैकेट ले रहे हैं और इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस को डिनोट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट सॉल्यूशन के मोलर कंसेंट्रेशन की बात किया, यानी कि मोलैरिटी की बात किया किसके टर्म में, तो इसके अंदर जो भी हमने सब्सटेंस लिखा है उसका मोल्स इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर HCl है तो ये HCl का मोल्स दे रहा है इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये मोलैरिटी है। अब जब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें कि मोलैरिटी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी अगर हम उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स को
सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ठीक है, जो किस यूनिट में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये मोलारिटी का बिल्कुल सीधा साधा एक्सप्रेशन है। हम इसको अलग अलग टर्म में और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कि मोलारिटी किसी भी टर्म में यूज हो वो आना चाहिए फाइनली मोल पर लीटर में, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम सॉल्यूट का मोल्स ले रहे हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेकिन मिली लीटर में मिल रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पे 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, तो ये फाइनली मोल पर लीटर का एक्सप्रेशन देगा। इसी तरह से अगर हम मोल्स की जगह मिली मोल्स ले रहे हैं, मिली एक प्रेफिक्स हो गया यूनिट का, तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने लिया, तो अगर हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो ये ml में होना चाहिए, तो फिर फाइनल यूनिट हमारा जो होगा वो मोल पर लीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर है, ये मोल पर 1000 मिलीलीटर है और ये मिली मोल्स पर मिलीलीटर है, बट स्टैंडर्ड यूनिट इस तीनों का मोल पर लीटर ही आएगा, मतलब हम इन तीनों में किसी भी फॉर्म से मोलैरिटी लाएं आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग ये होता है कि हमारे पास इससे पहले परसेंटेज मास था सॉल्यूशन का या परसेंटेज स्ट्रेंथ था, वो मोलैरिटी से कैसे रिलेट होगी। तो मोलैरिटी हम ला सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ से, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये कैसे रिलेटेड होगा, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ या परसेंटेज मास अगर हम लें ऑफ सॉल्यूट, तो पहले परसेंटेज मास से निकालते हैं, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना होगा आपको सॉल्यूट के मोलर मास से, ठीक है। अब यहां पे आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, यहां पे लेना होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है ये आपको लेनी होगी ग्राम पर एमएल में, ठीक है। ये 100 किस यूनिट में आना है, तो ग्राम में आना है, और इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देख लें कि इन अ सॉल्यूशन यूरिया इज 18% बाई वेट या बाई मास, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर एमएल, कैलक्यूलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हमारे पास आ गया मोलैरिटी, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर ये फॉर्मूला हम यूज क्यों करते हैं। तो कोई भी परसेंटेज वेट अगर दिया है सॉल्यूशन सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन, तो हम ये बोलते हैं कि उतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि अगर हम लिख दें कि 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। यहां पर आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन,
और वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम मोलर वेट से डिवाइड कर दें तो ये मोल्स आ जाएगा। तो 60 यहाँ पे क्या है, तो यूरिया का मोलर वेट हो गया, ठीक है। 18 किस यूनिट में है, ग्राम में, तो 100 भी हमें किस यूनिट में लेना होगा, ग्राम में। सॉल्यूट का वेट ग्राम में क्यों लेते हैं, क्योंकि मोलर वेट हम ग्राम में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अब इस वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दें, यानी कि 1.02 ग्राम पर ml से डिवाइड कर दें, तो अब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ml में आ रहा है इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टर्म आ गया, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। तो परसेंटेज वेट को हमने बदल दिया मोलैरिटी में, करेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग है, एक तो ये बात हो गई, अगला चीज़ है कि अगर हम परसेंटेज स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है तो उससे हम मोलैरिटी कैसे निकालें। तो मोलैरिटी परसेंटेज स्ट्रेंथ से डिटरमाइन करने के लिए आपको बस परसेंटेज स्ट्रेंथ लेना होगा, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ था मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्यूट का परसेंटेज स्ट्रेंथ ले लें, डिवाइड कर दें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, और क्योंकि यहां पे 100 ml आ ही रहा है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिफाइन कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल से डिफाइंड होता है, यहाँ पे 100 ml आ गया। और अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये भी आ जाएगा मोल पर लीटर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने परसेंटेज वेट या परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को किस में बदल दिया, मोलैरिटी में बदल दिया, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया, ये रिलेशन आपको हमेशा ख्याल रखना है। यानी कि अगर आपको मोलैरिटी निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो मोलैरिटी निकाली जा सकती है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट। हम बार बार या तो कहीं वेट लिख रहे हैं या कहीं मास लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे कि बहुत बार मास दे दिया है या बहुत बार वेट दे दिया है तो हम रिलेट कैसे करें, तो रिलेशन करना ही नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही टर्म है यहाँ पर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है, इस वेट ऑफ सॉल्यूट को हमें डिवाइड करना है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल में आता है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हमें, हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्राम में है तो इस मास ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो लेना होगा यहाँ पे, ये किसी यूनिट में लेना होगा, तो ग्राम पर ml में, ठीक। तो इससे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया वो मिली लीटर में आ गया, ठीक है। और इसलिए अब इस पूरे टर्म को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मोलैरिटी आ गई। इसी तरह से अगर मोलैरिटी दी हुई है और उसको परसेंटेज मास में बदलना है, यानी कि हम यहाँ पे अगर परसेंटेज मास लिख रहे हैं ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा, ध्यान से देखना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास या मोलर वेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मास लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे मोलर मास लिख दें, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। अब इस पूरे टर्म को हमको डिवाइड करना होगा 1000, ठीक है, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो किस यूनिट में हमारे पास आना है, तो ये आना है ग्राम पर ml, ठीक है। और अब इस पूरे टर्म को, ये आ जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास दे देता है, और परसेंटेज के लिए हमको इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे दो बात देख रहे हैं हम लोग कि परसेंटेज वेट या परसेंटेज मास से मोलैरिटी निकालना, और दूसरी बात देख रहे हैं कि मोलैरिटी से परसेंटेज मास निकालना। ठीक है, दोनों बस एक ही चीज है, और इससे मतलब एक अगर हमको कोई फॉर्मूला पता है तो हम दूसरा फॉर्मूला इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहां पे हम अगर देखें तो कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होता है, लाइक अगर हम बोलते हैं 1m सॉल्यूशन, तो 1m सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको मिला m/2 सॉल्यूशन, तो m/2 सॉल्यूशन को हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन भी बोलेंगे। अब सेमी मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, m/2 का मतलब हो जाता है हाफ, यानी कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसी तरह से हम m/10 सॉल्यूशन लेते हैं, तो m/10 सॉल्यूशन का यहां मीनिंग हम समझते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन, और डेसी मोलर सॉल्यूशन का यहां मीनिंग डिफाइंड होगा 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी कुछ टर्म यूज करते हैं। इसी तरह m/100 है तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, m/1000 है तो मिली मोलर सॉल्यूशन, तो इस तरह का टर्म आते रहेगा। करेक्ट, अगली बात यहां पे ये आती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, और आयंस जिस सॉल्यूशन में मिलते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह देखना होता है कि कोई आयनिक कंपाउंड कितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है। करेक्ट, तो अगर हम जैसे कोई आयनिक कंपाउंड हो कौन से सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैसे सब्सटेंस हो सकते हैं। तो जैसे हम अगर कोई सॉल्ट लेते हैं एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, और कैसा सॉल्यूशन लेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन, लाइक अब सॉल्युबल सॉल्ट में ले लेते हैं जैसे KCl, ठीक है, Na2SO4, इस तरह की चीजें। तो ये सब अगर हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं यहां पे, तो KCl का आयोनाइजेशन हम कैसे देखेंगे, तो KCl है सॉल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो इससे K+ अलग, Cl- अलग। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे KCl सॉल्यूशन की मोलारिटी कुछ डिफाइन कर रहे हैं, लाइक हमने बोला कि ये x मोलर है, तो इस कंडीशन में K+ आयन की भी जो मोलारिटी होगी वो x मोलर ही होगी, एंड Cl- की भी जो मोलारिटी होगी वो x मोल पर लीटर ही होगी। ठीक, यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि KCl इज कंप्लीटली आयोनाइजेबल, KCl जो है वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम Na2SO4 को देखें, तो Na2SO4 को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2Na+ एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस। ठीक है, कोई भी आयंस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान देना है, आयंस का
अगर हम फ्री मूवमेंट देखेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, और एक्वस इसलिए कि आयन अभी भी अकेला नहीं है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन y मोल पर लीटर है, तो इस सिचुएशन में Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन से या इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि इसका एक मोल इसका दो मोल देगा, तो यहाँ पे Na प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 2y मोल पर लीटर होगा। ठीक है, एंड SO4 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, हमें ये कॉफिशियंट से पता चल जाएगा कि इसका एक मोल है तो इसका भी एक ही मोल है, यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो वाई मोल पर लीटर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयन्स का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। दो बात होती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट एक तो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है, और दूसरा एक और चीज़ हम लोग एक चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइजेबल होगी। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। इसी तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सेम मैनर में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HBr लाइक HBr सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन, इस तरह की चीजें। तो हम यहां पे क्या क्या देखते हैं यहां पे कि अगर HBr का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये फिर से हम ले लें x मोल पर लीटर, तो इस कंडीशन में H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो x मोल पर लीटर होगा। वहीं अगर हमने H2SO4 लिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन x मोल पर लीटर होगा, तो अब यहाँ पे इसमें H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 2x मोल पर लीटर देगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइजेबल, एसिड पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, यहां भी वही बात देखेंगे, यानी कि यहां पे एक हमने कंडीशन लिया है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसकी मोलैरिटी में क्या चेंज होगा। तो अगर हम डाइल्यूट करते हैं या सॉल्वेंट ऐड करते हैं, डाइल्यूट करें और या सॉल्वेंट ऐड करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट कर रहा है, ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ठीक है, बट moles of solute, ठीक है, ध्यान देना है कि moles of solute हमको कैसा लेना है, तो non electrolyte लेना है, remains unchanged, ये unchanged होता है। ठीक है, ये तभी होना चाहिए कि if solute is अनआयोनाइजेबल या अगर आयोनाइज्ड भी हो रहा है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। हम लोग इसमें आगे देखेंगे कुछ सर्टेन लिमिटेशन है यहां पे कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो डाइल्यूट करने के साथ उनका आयोनाइजेशन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहां लेते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, और यह भी आपको समझना है कि डाइल्यूट करने का मीनिंग होता है सॉल्वेंट को ऐड करना। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहां पे ये ले रहे हैं कि इफ मोलैरिटी ऑफ V1 सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is M1 and if V volume
वी यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, वी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड इन सॉल्यूशन देन मोलैरिटी दैट इज एम टू ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होनी है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि एम वन वी वन दिस इज इक्वल टू एम टू, और यहां पे वी टू की जगह पे क्या लिखेंगे, तो पहले से वॉल्यूम वी था और वी वन था और उसमें बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया है, ध्यान देना है बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहां पे कि एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सीधी साधी है, यहां पे ध्यान रखना है कि आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, यहां पे ध्यान देना है कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट ना लिया जाए, करेक्ट। तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला हो जाता है। अब नेक्स्ट थिंग यहां पर यह आता है, एक और चीज हम यहां देखते हैं, कि वेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड ठीक है, दो सॉल्यूशंस अगर मिक्स्ड करते हैं हैविंग different volume and concentration, ठीक है, ये चीज है, different volume है different concentration है। यहां पे note देके रखना है कि nature of solution must be same, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो हमें बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे होने का मतलब अगर HCl सॉल्यूशन है तो HCl सॉल्यूशन को ही मिक्स कर रहे हैं, NaOH सॉल्यूशन है तो NaOH सॉल्यूशन को ही हम मिक्स्ड कर रहे हैं, देन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। M यहां पे हमने लिया, यहां पे M1 V1 ये एक सॉल्यूशन के लिए, M2 V2 दूसरे सॉल्यूशन के लिए, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला इसलिए आता है कि जब आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलता है, क्योंकि दो सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल्स यहां पर बढ़ रहा है। सॉल्यूट का मोल बढ़ने का मतलब है कि उन दोनों सॉल्यूशन के में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स को ऐड करना है, और सॉल्यूट का मोल्स M1 V1 दूसरे सॉल्यूट का मोल्स M2 V2 दोनों ऐड कर दिए, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम फाइनल वॉल्यूम से, और फाइनल वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 है। ध्यान ये रखना है कि दोनों सॉल्यूशन का नेचर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर हम एसिड में बेस को मिला दें या बेस में एसिड को मिला दें, या दो ऐसे सॉल्यूशन को मिलाएं जिसमें सॉल्यूट अलग अलग हो, ठीक है। इस तरह से हम यहां पे देखते हैं ये फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अगर दो सॉल्यूशन को हम मिक्स्ड कर दें, ठीक है। मैं यहां पे एक टर्म दे देता हूं यहां पे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलता है अगर आप सॉल्यूशन की मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम किस यूनिट में डिफाइंड है, लीटर में, या अगर आप वॉल्यूम को मिली लीटर में लेते हो तो हम यहाँ पे मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, यानी कि मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ जाएगा वो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टर्म है,
ये आपको ख्याल रखना है। बहुत बार आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि मोलैरिटी दी हुई हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ हो, मोलैरिटी निकालिए। ठीक, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि मोलैरिटी आ रहा है मोल पर यूनिट वॉल्यूम से, ठीक, और वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी चेंज कर जाएगी। ठीक, तो ये मोलर टर्म का हो गया, और इसके बाद अब हम चले जाएंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे। वेलकम टू मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन के साथ फुल सिलेबस का वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के साथ में। इसके अंदर आपको क्लास 11, 12 और पास आउट, ये तीनों क्लास के लिए हम लोग का कोर्स है, जिसके अंदर CBSE बोर्ड का पूरा कवरेज है, IIT JEE मेंस एंड एडवांस का कवरेज है, नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस का कवरेज है। हर चैप्टर के लिए आपको इसमें स्टडी नोट्स पहले मिलेगा, इसके बाद आपका वो क्लासेस होगा, इसके बाद इसके अंदर जो है डाउट क्लासेस और टेस्ट एनालिसिस सेशन होगा, जो टेस्ट होगा। ये पूरा कोर्स पर सब्जेक्ट 400 आवर्स का है, 11, 12 एंड IIT JEE का मिला करके। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जिसको कि सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो नीड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यदि आप इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं इसके शेड्यूल के साथ में।